हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि आज मैं अगेन एक मिशन फिटनेस के टॉपिक पर आ, बात करने के लिए आ चुकी हूं आप लोगों में से कई लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि हमें कितना ज़्यादा आई I मीन mean, कितना पोर्शन ऑफ़ फ़ूड हमें इंटेक करना चाहिए खाना कितना खाएं वो कैसे डिसाइड करें स्पेशली वो लोग जो अभी नया नया फिटनेस जर्नी उन्होंने स्टार्ट की है और वो अपना खाने पर कंट्रोल करना चाहते हैं बट आइडिया नहीं लग पा रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ खाना हमें खाना चाहिए जिससे कि हमारी भूख भी मिट जाए और ओवर ईटिंग भी ना करें सो ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सही टॉपिक है कि इस पर हम बात करें तो आज मैं आप लोगों के साथ में तीन या चार ऐसे टॉप ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ जो कि आपको ये डिसाइड करने में आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कितना खाना खाना चाहिए ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में पढ़ा हुआ है एंड कुछ रुजिता मैम के वीडियोज़ में भी देखा है तो उन सब चीज़ों से जो चीज़ें मैं फॉलो करती हूँ जो मुझे पता है वो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज़ें यूजफुल एंड हेल्पफुल होंगी टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ फूड यू शुड ईट सो विदाउट मच डू लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो गाइस खाना खाना हमें हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और ये एक ब्लेसिंग है ये तो मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ बट कोई भी चीज़ अगर हम ज़्यादा खाते हैं या फिर कम खाते हैं दोनों ही जो कंडीशन है वो अच्छी नहीं होती है वो हमारे लिए हार्मफुल होती है तो हमें खाना उतना खाना चाहिए जितना कि हमारी बॉडी हमारे स्टमक के लिए रिक्वायर्ड है जितनी हमें भूख है बट होता क्या है कि हम अक्सर जब हमें कोई चीज़ पसंद आती है या फिर भूख बहुत ज़्यादा लग जाती है तो हम बिना सोचे समझे फटाफट बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा अरे यार खाना बड़ा टेस्टी था मैंने ज्यादा खा लिया अरे यार ज्यादा हो गया मैं तो उठ भी नहीं पा रही अब तो मैं घुट पानी भी नहीं पी पाऊंगी ऐसा कई बार होता है और ऐसा मेरे साथ भी रेयरली होता है बहुत ज्यादा तो ऐसा मेरे साथ नहीं होता है बट वंस इन अ वाइल मेरे साथ भी ऐसा कभी हो जाता था हो जाता है कि आ, अरे यार ओवर ईटिंग हो गई है आप तो चल भी नहीं पा रहे हैं ये चीज़ें हो जाती हैं तो ये चीज़ों से ये चीज़ कभी कभार होती है तो ठीक है हंसने हंस सकते हैं हम खुश हो सकते हैं लेकिन अगर ये रेगुलर बेसिस पे होती है तो फिर ये आपके हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकती है कई सारी बीमारियों को क्रिएट कर सकती है और आपका वेट लॉस तो दूर की बात है तो आज मैं आपसे वही डिस्कस करने वाली हूँ तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये कि आपको माइंडफुल ईटिंग करनी चाहिए माइंडफुल ईटिंग से मतलब ये है कि खाना खाते टाइम खाने को आप फील कर पाएं बस काम ना निपटाएं खाना खाने का हम अक्सर ऐसा करते हैं कि बस जल्दी जल्दी हमारे पास दस मिनट है और दस मिनट में खाना खा के खत्म करना है तो बस जल्दी जल्दी लिया और खा लिया तो ऐसा ना करें ध्यान दें मोबाइल चलाते हुए खाना मत खाएं टी देखते हुए खाना मत खाए मतलब ऐसा कोई काम

दिल से खाना खाएं खाने को थैंक्स बोलते हुए और खाने को फील करते हुए खाना खाएं तो ऑटोमेटिक आपको रियलाइज़ होगा कि आप आपने जितना खाना खाया उससे आपका पेट भर गया है अभी आपको और खाना है या नहीं खाना है वो बहुत आसानी होगी आपको पता लगाने में दूसरी चीज़ कि खाने को बहुत जल्दी जल्दी नहीं खाना है और खाने के बीच में बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीना है एक दो सेप ऑफ वाटर आप ले सकते हैं ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं ले सकते हैं बट कई लोगों को होता है ना कि वो एक दो बाइट खाते हैं फिर पानी पीते हैं फिर एक दो बाइट खाते हैं फिर पानी पीते हैं तो आपको ऐसा भी नहीं करना है इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है स्टमक में कि खाना जा रहा है या पानी जा रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो इसी आप ये स्टेप को हटा दें एंड दूसरा खाने को बहुत ही अच्छे से च्यू करके खाएँ जितना आप खाने को च्यू करेंगे उतना होगा कि आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है या फिर जो खाने को ब्रोक करने का तोड़ने का जो काम है ना वो आधा से ज्यादा तो आपका जो टीथ्स हैं वो कर देते हैं तो स्टमक के ऊपर लोड कम आता है खाना आसानी से डाइजेस्ट हो जाता है और आपको आ, मतलब आपके ओवर ईटिंग करने के चांसेस भी काफी कम हो जाते हैं तो खाने को अच्छे से च्यू करके खाइए तो वो खाना अच्छे से अब्जॉर्व होता है बॉडी में और आपकी जो भूख है वो सेटिस्फाई होती है तो इसीलिए च्यू करके खाना बहुत ज़रूरी है आपने कहीं कई कही जगह रूल तो पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा कि 32 टाइम्स आपको अपने खाने को एक बाइट जो आप मुँह में लेते लेते हैं उसको थर्टी टाइम्स आपको च्यू करके खाना चाहिए अब थर्टी टाइम्स आप चू करें ये तो फिजिबल नहीं लगता है मुझे लेकिन जितना स्लो आप खा सकते हैं उतना स्लो आप खाइए आप दो रोटी को आराम से आधे घंटे में भी खा सकते हैं और पाँच मिनट में भी खा के ख़त्म कर सकते हैं बड़ा बड़ा कौर चार पांच बाइट्स में आपका खाना हो गया तो मैं अपनी ही बात बता रही हूं कि मैं एक रोटी भी अगर मुझे मिल जाती है तो मैं उसमें भी अपना पेट भर सकती हूं और मैं मैं तीन रोटी खा के भी अपना पेट भर सकती हूं। ये मैं शुरू से बचपन से करते आई ऐसा मेरे साथ नहीं है कि मेरे को इतना खाना मिलेगा तभी मेरा पेट भरेगा जितना खाना होता है मैं बहुत ही स्लो खाने लग जाती हूँ अगर एक रोटी होती है तो मैं उतना टाइम लेती हूं दो रोटी है तो भी मैं उतना ही टाइम लेती हूँ मैं इस तरीके से धीरे धीरे खाती हूँ ना तो खाना आपकी बॉडी में मेंब्सॉर्ब होता है और आप ओवर ईटिंग करने से बच जाते हैं और आपका पेट भर जाता है आपकी बॉडी को जितना न्यूट्रिशन होता है वो उतना कंज्यूम करती है वो इंडिकेट करती है आपकी बॉडी की अभी आपको भूख और लग रही है आपको और खाना चाहिए तो इसीलिए माइंडफुल ईटिंग करिए एंड स्लो प्रोसेस है मतलब च्यू करके अच्छे से खाने को खाइए उसके बाद जो आप खाना जब भी लें तो बैलेंस डाइट ले लीजिए जिसके अंदर कि अच्छे से प्रोटीन भी हो काब्स भी काफ़ी हो एंड थोड़ा बहुत फैट भी हो हेल्दी फैट्स यानी कि घी वगैरह जो होते हैं ये हो आपके खाने में इससे भी आपका जो भूख है वो सेटिस्फाई होती है अगर बैलेंस डाइट आप लेते हैं तो आप बैलेंस डाइट ले आप मतलब नोटिस कीजिएगा कि जब भी आप दाल चावल रोटी सब्जी सब चीज़ मिक्स करके खाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सब चीज़ खाते हैं तो आप आपका जो पेट है वो अच्छे से भर जाता है आप संतुष्ट होते हैं खाना खाने के बाद क्योंकि उसमें आपको सारी वो जो चीज़ है ना बैलेंस डाइट में जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं वो आपको मिलती हैं और उससे आपका जो स्टमक है वो काफ़ी सेटिस्फाई हो जाता है अब मैं आपको ट्रिक्स बताती हूँ रूल्स बताती हूँ जो रुजिता मैम ने अभी रिसेंटली अपने एक वीडियो में बताई थी जॉर्डन रूल वो जॉर्डन रूल के हिसाब से जॉर्डन फॉमूला उन्होंने बताया था कि वो जब जॉर्डन में गई थी अपने किसी व जो भी उनका सेमिनार वगैरह था या जो भी था तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वहाँ के कल्चर में ये आता है कि वो आपको जब भी खाना सर्व करते हैं या जो भी कॉफ़ी वगैरह सर्व करते हैं तो वो पहले आपको एक बार सर्व करते हैं एंड देन फिर वो जब आपको दोबारा सर्व करते हैं तब रूल ये आता है कि आपको दोबारा तभी लेना है जब आप श्योर हो कि आप थर्ड टाइम भी ले पाएं लाइक like अगर आपने एक पूरी ली है और आपको दोबारा जब सेकेंड पूरी ऑफर होगी तो आप सेकेंड पूरी एक्सेप्ट तब करेंगे जब आपको पता हो कि आप थर्ड पूरी भी खा सकते हैं सो so बेसिकली अगर आप थर्ड पर नहीं है कॉन्फिडेंट कि नहीं यार ये दूसरी वाली तो खा लूंगी मैं बट थर्ड वाली पूरी नहीं खा पाऊंगी मैं तो आपको सेकेंड पूड़ी भी नहीं लेनी है अगर आप ऐसा करते तो ये डिसरेस्पेक्टफुल माना जाता है जॉर्डन सो so ये रूल उन्हों, उन्होंने ये फॉमूला उन्होंने बताया था और मुझे काफ़ी सही भी लगा ये तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप एक रोटी खाते हो तो आप दूसरी रोटी तब लो जब आपको पता हो कि थर्ड रोटी भी आप अच्छे से खा सकोगे अगर आपको लगता है कि नहीं दूसरी तो अच्छे से खा लेंगे बट तीसरी नहीं खा पाएंगे तो फिर आप दूसरी भी मत खाओ आप एक, एक रोटी में ही आ, पेट भर मतलब जितना भी भरा आप उतने पर खाना जो है स्टॉप कर दो ये कैसे वर्क करता है वो मैं अभी आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी बट ये काम करता है आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना कि अपना जो सर्विंग्स आप ले रहे हो थोड़ा थोड़ा खाना लो या थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी लो और उसको ऑड uh, नंबर्स में डिसाइड uh, मतलब लिमिट uh, करो या तो आप एक बार खाओगे एक चीज़ खाओगे एक रोटी खाओगे या फिर तीन खाओगे या फिर पाँच खाओगे इस तरीके से आप डिसाइड कर लो कि आप इस तरीके से खाना खाओगे ऑड नंबर्स में इवन नंबर्स में आप खाना नहीं खाओगे तो ये एक बहुत अच्छा रूल है पोर्शन कंट्रोल करने का नेक्स्ट रूल जो है वो ये है कि मैंने एक बुक पढ़ी थी उसमें जैप जैपनीज़ कल्चर के बारे में बताया था कि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दुनिया में दुनिया में सबसे ज़्यादा फिट है वहाँ के लोग और उनकी जो लाइफ स्पैन भी है वो ज़्यादा समय तक जीते हैं लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा है पूरी दुनिया में तो उनकी जो लाइफ एक तो लंबी भी है प्लस हेल्दी है ऐसा नहीं कि मर मर के जी रहे ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड एक्टिव है वो लोग तो उनका जो राज है खाने का वो उन्होंने बताया कि आप वो लोग जो खाना खाते हैं वो एट्टी जो उनकी भूख होती है उतना खाना खाते हैं मतलब अगर सौ परसेंट उनकी भूख है तो वो अस्सी परसेंट जितना खाना खाते हैं और थोड़ी भूख जब उनकी एकदम बाकी रहती है तो उतने पर वो स्टॉप कर देते हैं अब ये ये जो रूल है ये मैंने अभी रिसेंटली एक बुक में पढ़ा था बट ये रूल मैं बचपन से फॉलो करते आ रही हूँ मेरा ही हमेशा से ऐसा रहा कि मैं खाना जब ख़त्म करती हूँ अपना उस वक्त मेरी भूख इतनी अभी बाकी होती है कि अगर कोई मुझे ज़बरदस्ती करके खिलाए कि नहीं नहीं खाना ही है खाना ही है तो भी मैं एक रोटी या एक पूड़ी या जो भी रहता है वो मैं खा सकती हूँ तो मुझे क्या डर रहता था कि कोई मुझे फोर्स ना करे तो इसलिए मैं थोड़ा भूख बचा ही खाना खाती थी तो कभी पार्टी वार्टी में या किसी के घर गए तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फोर्स करते अरे लो थोड़ा सा लो थोड़ा सा लो तो फिर मैं ज़बरदस्ती लेती थी और फिर मैं खा लेती थी लेकिन मैं कभी भी ओवर इन एनी सिचुएशन ओवर ईटिंग के चांसेज मेरे साथ नहीं रहे कभी नहीं रहे तो ये चीज़ मैं टाइम से अन नोइंगली फॉलो करती थी बिकॉज मुझे ओवर ईटिंग करने के बाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था तो इसलिए मैं ये रूल फॉलो करती थी बट जब मैंने ये बुक में पढ़ा तो मैं एकदम ही मज़ा आ गया मुझे मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस मेरा आप हो गया कि वाह मैं ये अच्छी चीज़ अन नोइंगली फॉलो रही थी और मैं अपने घर में भी सबको ऐसा बोला करती थी स्कूल कॉलेज में जब थी कि आप लोग ऐसे किया करो जब कोई मुझे ऐसा बोलता था अरे यार ज़्यादा खा लिया तो मैं यही जवाब देती थी कि तुम लोग कैसे ज़्यादा खा लेते हो मैं तो अभी भी मतलब मेरे के अगर कोई मुझे फोर्स करे तो मैं खा लूंगी तो ये चीज मैं करती थी और ये मैंने देखा कि ये मतलब आ, काफी मतलब बहुत अच्छी पॉइंट अच्छा पॉइंट है जिसका मुझे अंदाजा नहीं था बट ये मैंने बुक में पढ़ा है और ये मैं आप लोगों को भी सजेस्ट करूंगी कि ओके सो नेक्स्ट पॉइंट बताने से पहले एक छोटी सी और बात जो मुझे याद आ गई वो बता देती हूँ कि खाना खाने के आधा घंटा पहले या एक घंटा पहले आप थ्री हंड्रेड के अराउंड पानी पी लीजिए उसके बाद जब आप अपना मील लेते हैं तो आपको भूख कम लगती है और कम लगने से ऐसा नहीं है कि आप खाना नहीं खाएंगे उतनी लगती है आप उतना ही खा पाते जितना कि आपकी बॉडी को जरूरत है आपकी बॉडी को आप बेवकूफ़ बिल्कुल मैं समझिए आपकी बॉडी को जितनी भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी ना वो आपसे वो डिमांड कर लेती है आप आप कितना समझ पाते हैं वो मायने रखता है तो इसीलिए पानी अगर आप पहले पी लेते हैं आधा एक घंटा पहले तो फिर उसके बाद आपका ऑटोमेटिक काफ़ी फर्क पड़ जाता है जो भी आप डाइट इंटेक कर रहे हैं ओके सब नेक्स्ट पॉइंट जो मैं कह रही थी वो मैं आपसे पहले भी कई बार अपने वीडियोस में शेयर कर चुकी हूँ जो कि रुजिता मैम ने अपनी बुक में लिखा हुआ था वो है फूड uh, को कैलकुलेट करना कि कितना आप खा सकते हो तो उन्होंने आइडिया ये बताया था कि आप जितना भी क्वांटिटी खाते हो फॉर एग्जाम्पल आप फोर रोटीज़ खाते हो तो आप पहले उसको आधा कर लीजिए सीधे दो रोटी कर दीजिए दो रोटी आप खाइए दो रोटी खाने के बाद आपको अगर महसूस होता है कि अभी भी मुझे भूख लग रही है और मैं अगेन uh, दो रोटी खा सकती हूँ ऐसा अगर आपको लगता है तो आप फिर से जो खाना आपको लगता है उसका आधा कर दीजिए एक कर दीजिए फिर आप एक रोटी खाइए एंड देन फिर आप रियलाइज़ करेंगे कि ऑटोमेटिक जब आप इतना सोच समझ के खाएंगे तो आपका जो पोर्शन कंट्रोल है वो होने लग जाएगा लेकिन इसमें कंडीशन अगेन वही आती है कि खाना जो है ना वो आपको अच्छे से च्यू करके खाना है थर्टी टू टाइम्स कर कर लीजिए नहीं तो जितना भी आप कर सके मैक्सिमम उतना चीव करके थोड़ा सा लिंगर करके खाने को थोड़ा सा डिले करके खाएंगे तो ऑटोमेटिक आपकी जो भूख है वो सेटिस्फाई uh, होती जाएगी तो ये एक बहुत अच्छा ट्रिक है कि जितना आपका दिमाग कहता है कि आप खा सकते हो उसका आधा पहले लीजिए एंड देन फिर आधा और लीजिए फिर आधा और लीजिए ऐसे करके अगर आप खाएंगे तो इनिशियल अगर आप चार रोटी भी खाते हैं तो आपको दिखेगा कि हाँ आधी रोटी या एक रोटी का फ़र्क आने लग जाएगा शुरू में ही तो अगर आधी रोटी का भी फर्क आता है तो आप समझिए कि आप एकदम सही जा रहे हैं और आप धीरे धीरे फूड अपने जो क्वांटिटी है उस पर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं कि आप माइंडफुल uh, तरीके से खाने को खाएं और फील करके खाने को खाएं जॉर्डन फार्मूला फॉलो कर सकते हैं जापानीज़ फार्मूला जो है वो फॉलो कर सकते हैं या फिर जो मैंने अभी रिसेंटली बताया वो वाला भी आप फॉलो कर सकते हैं कि जितना आपका दिमाग बोले उसका आधा कर लीजिए तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और आप मुझे कॉमेंट करके बताइएगा इनमें से कौन सा रूल आप फॉलो करने वाले हैं और आपको कैसे रिजल्ट मिले सारी चीज़ की अपडेट मुझे ज़रूर दीजिएगा मुझे अच्छा लगेगा जान करके एंड एक छोटी सी और चीज़ बोल दूँ कि जो भी लोग प्रेगनेंट है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग वॉम्स उनके लिए ये चीजें मैं सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इस तरीके की कोई एक्टिविटी कीजिए आप सोच समझ के हेल्दी फूड की तरफ अपना ध्यान दीजिए और जितनी आपको भूख लग रही है फिलहाल आप ब्रेस्ट फीडिंग पर अगर हैं तो आपके बच्चे को बहुत सारी चीजों की नरिशमेंट की जरूरत है आपको भी उतनी ही नरिशमेंट की जरूरत है ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे के लिए आपको खाना है आपको खुद के लिए भी खाना है तो इसीलिए उस तरीके से अच्छा हेल्दी फूड खाने पर आप फोकस कीजिए थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए देन फिर इन सब चीजों में आप अपना फोकस लाइए सो यही था आज का वीडियो आई होप कि आपको मजा आया होगा आपको पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और मुझे कॉमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन प्रेस कर दीजिएगा एंड इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना वहाँ पर मैं बहुत सारे रील्स एंड पोस्ट वगैरह अपडेट करती रहती हूँ एंड येस सबके साथ में शेयर भी करना है ये वीडियो तो मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो में तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर